दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जीत और जडेजा कोहली की घातक बल्लेबाजी देखकर तो रेवा जडेजा भी भावुक हो गई और फिर हिंदुस्तान की जीत पर दे दिया करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लेने वाला बयान। तो आखिरकार रीवा ने ऐसा क्या कुछ महेंद्र सिंह धोनी का बदला पूरा होने पर बयान दिया जिससे हर कोई रेबाबा को सलाम कर रहा है? आखिर रेबाबा ने कैसे विराट कोहली और जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी पर बयान देते हुए जीता करोड़ों फैंस का दिल, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में सबसे खतरनाक ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेक गए और केवल 273 रनों के स्कोर पर ढेर हो गए। टीम की तरफ से डैरल मिचेल ने 130 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके और हर किसी को अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैरान कर दिया। जवाब में उतरी भारतीय टीम की भी शुरुआत बेहद शानदार रही। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए न्यूजीलैंड हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और फिर अंत में विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने तूफानी अर्धशतक जड़ा और इसके बावजूद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक खतरनाक शॉट और जडेजा के साथ मिलकर यादगार पारी खेल टीम इंडिया को 20 साल बाद वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ यादगार जीत दिला दी। तो जडेजा और कोहली ने मिलकर टीम के लिए अहम योगदान दिया। इन दोनों की बदौलत टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया और अपने सभी मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में हड़कंप मचा आते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए। इन दोनों की घातक बल्लेबाजी देखकर जडेजा की पत्नी रेबाबा ने दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्या कुछ कहा रेबाबा ने बयान देते हुए कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप में शानदार जीत दर्ज की। मुझे पता था कि टीम इंडिया 2019 में माही भाई के रन आउट होने का बदला जरूर लेगी और ठीक वैसा ही हुआ। जडेजा और विराट कोहली ने मिलकर न्यू को करारी धूल चटाई और माही भाई का बदला पूरा कर लिया। विराट कोहली ने टीम के लिए अहम योगदान दिया और बेहतरीन पारी खेली। टीम के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत दी जिसके कारण और खिलाड़ियों को खेलने में थोड़ा आसानी हुई और हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने मौका मिलते ही अपने आप को साबित किया। ऐसा करना किसी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता लेकिन शमी ने कर दिखाया। इसी के साथ रेबाबा ने आगे कहा कि टीम इंडिया को यादगार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें पूरा विश्वास है इस बार का विश्व कप भारत के पास ही आने वाला है। हम लोगों ने अब तक विश्व कप के 5 मुकाबले जीत चुके हैं और हमारी टीम का हौसला पूरी तरह से बुलंद है। हमारे सभी खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रेबाबा ने अपने बयान से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम जगह बनाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।